हेलो एवरीवन, वेलकम टू बॉडी सेसफुल किचन। आज हम ये बथुआ लाए हैं। देखिए ये कुछ इस टाइप का होता है। ये फ्रेश हमने अपने ही गार्डन में से पास में से तोड़ा है, बिल्कुल फ्रेश है। हल्की सी मिट्टी लगी हुई है, इसको हमने जहां मोटी डंडियां हैं ना उनको उतार दिया है, ज्यादा मोटी डंडियों को नहीं लिया है। और इस तरह से पत्ते पत्ते ले लिए हैं। ये पत्ते पत्ते जो है मैंने 100 ग्राम के करीब लिया है। इनको बहुत अच्छे से धो लिया है और बारीक काटने के बाद हम इसको बॉईल करेंगे। आपको दिखाते हैं कैसे बॉईल करना है। ये हमने घर का जमा हुआ दही ले लिया है और इसका रायता बहुत ही टेस्टी बनता है। ये देखिए हमने बारीक काट लिया है इसको, बथुए को बहुत अच्छा सा धुला हुआ ग्रीन कलर फ्रेश है। हमने ना पैन में बहुत थोड़ा सा पानी लिया है, 1 कप से भी थोड़ा सा कम, तो ताकि ये अच्छे से बस हमें पानी ना निकालना पड़े इसका और ये अच्छे से गल जाए। तो अब हम गैस को ऑन करके इसको सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। ये अच्छे से गल जाए तब तक हमें इसको पकाना है। और ये देखिए बिल्कुल अच्छे से गल गया है, पानी भी लगभग सूख गया है। ये देखिए बहुत ही हल्का सा पानी है इसमें और बिल्कुल स्लो गैस पर आपको इसको करना है। आप हाथ से ऐसे करेंगे ना ये बिल्कुल अच्छे से मैश हो जाएगा ऐसे। ये देखिए आप ब्लेंडर से थोड़ा पानी डाल के कर सकते हैं, अदरवाइज आप हाथ से भी ऐसे मैश कर सकते हैं। अगर आप दरदरा खाते हैं तो बिल्कुल अच्छे से हाथ से भी मैश हो जाता है। तो इसको मैश करते हैं। ये देखिए दही को हमने अच्छे से फेंट लिया है, बहुत अच्छा थिक दही जमा है और ये मैंने 1 कप एंड 1/4 कप दही लिया है। अब हम डालेंगे इसमें काला नमक 1/2 चम्मच, थोड़ी सी लाल मिर्च, रेगुलर नमक स्वाद के अनुसार, भुना जीरा 1 चम्मच। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है, घर में ही भून कर रखिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। इनको हमने मिक्स कर लिया है अच्छे से और अब हम ये जो बॉईल किया हुआ बथुआ है जो ऑलरेडी ठंडा हो गया है उसको डाल देंगे। अगर आपको बथुए के चंक्स पसंद हैं तो आप वो यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको मिक्सी में भी पीस सकते हैं, हैंड ब्लेंडर से भी कर सकते हैं। अदरवाइज बहुत अच्छे से जैसे मैंने आपको हाथ से मैश करके दिखाया है तो ये कुछ इस तरीके का लगता है और बहुत बहुत अच्छा है। सर्दियां जा रही हैं, बथुआ जाने वाला है तो आप एक बार जरूर जरूर से ये रायता बनाकर देखिएगा। और ये देखिए हमने थोड़ा सा भुना जीरा इस पर स्प्रिंकल कर दिया है, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा काला नमक और ये कुछ इस तरह से बनकर तैयार हुआ है। जब आप खाएंगे इसको तो बहुत बहुत यम्मी लगेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपी।